बढ़िया है ना? बहुत अच्छे सर। कहाँ है अभी? हाँ सर, बहुत। कहाँ है अभी? अभी अभी कोटा में सर, कोटा आ गए। अच्छा, पढ़ने के लिए कोटा चले गए ना? अच्छा, तो आप तो आपका क्या रैंक रहा स्टेट में शुभम? हमारा चौथा रैंक था सर। अच्छा, और जिले में? जिले में पहला रैंक था, जमुई में फर्स्ट। अच्छा, जिले में पहला रैंक था। और आपके विद्यालय में सिमुतला में कितना रैंक रहा आपका? सिमुतला टॉपर सर, सिमुतला में भी फर्स्ट। अच्छा, हाँ वो तो टॉपर ही होंगे। अच्छा, तो हम तो आपसे मिल नहीं पाए जी, आपसे मिल नहीं पाए, और आप भी तो यहाँ है नहीं। ठीक है सर, मैं 31 तारीख को भी ये आ गया था, कोटा से निकल गया था। अच्छा, कोटा निकल गया था। तो कैसा लग रहा है, मतलब फोर्थ रैंक पूरे बिहार में, एकदम कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, अच्छा बच्चे तो जानना चाहेंगे कि है ना, क्या शुभम को ऐसा लगता था कि फोर्थ रैंक आ जाएगा, या फिर उससे अच्छा और लग रहा था कि वन आ जाएगा? सर मेरा बोलूं सर कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊं। अच्छा, बिल्कुल मेरा फर्स्ट रैंक लाने का था सर। अच्छा, पर इसे फोर्थ रैंक से भी अब ठीक लग रहा है सर। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोम, आपका एग्जाम किस पाली में हुआ था? प्रथम पाली सर। अच्छा, फर्स्ट में हुआ था। तो इसमें दिशा उनका का क्या योगदान है? सर मैं आपका वीडियो देखा करता था यूट्यूब पे। अच्छा, देख के उसे ऑब्जेक्टिव सब देखा करता था आपका। अच्छा, हर एक एग्जाम से पहले आपका जो 3 घंटे का 750 क्वेश्चंस आते थे। अच्छा, वो सर और उससे लगभग 80 में से सर 60 क्वेश्चंस आपके हो जाते। अच्छा जी, तो, और बनाने तो 40-50 हुआ करते थे। तो सर आपका सर अहम भूमिका रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। और इसमें आपके विद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें है कि नहीं? यस सर, मेरे शिक्षकों का सर बहुत बड़ा योगदान रहा, मतलब विद्यालय के शिक्षकों का। जी। तो अपने जिले में कभी आप जाते हैं कि नहीं? आपने बताया कि बेगूसराय आपका जिला पड़ता है। यस सर, बेगूसराय। आप पढ़ते थे सिमुतला में, है ना? यस सर जी। तो शुभम, हमारा चयन हुआ था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, छठी कक्षा में चयन हुआ था। तो शुभम, मतलब कि जो नए छात्र हैं जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो पढ़े ताकि वो भी शुभम के जैसा एकदम टॉपर बन जाए, फोर्थ रैंक या वन रैंक आ जाए? कैसे पढ़े स्टार्टिंग से? आपने तो पूरा अपना जीवन देखा, आपने कैसे स्टार्टिंग से पढ़ा अंतिम तक? ये सर, बुक्स क्वेश्चन तो सारे बुक्स से होते हैं। और अच्छा, उस पे सर बुक्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लेने से, और फिर और आप भी बहुत सारा बता दिया करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स खोज के निकाल के सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेने से। अच्छा, हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो शुभम, अभी कोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस सर जरूरी है। क्वेश्चन को लिख के सर बार बार लिख करना। हाँ। और उसको किस ढंग से लिखना, और राइटिंग भी मायने रखता है सर। जी, राइटिंग डबल पेन यूज करना सर को, अच्छा तो राइट सुंदर दिखता है डबल पेन यूज करके ना। अच्छा, तो वो सर अगर बच्चे करेंगे तो सर टॉप आना बड़ी बात नहीं। अच्छा जी, हाँ, तो इन सभी चीजों का। तो शुभम, अभी आप कोटा चले गए हैं, तो कोटा में आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, नीट मतलब नीट की। अच्छा, आप मतलब पहले से ही तय कर लिए थे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप 31 को ही चले गए, तो लग रहा है कि पहले से तय कर चुके थे। सर 2 महीना पहले से था कि जाना है वहीं पे, और सर 31 को टिकट था। अच्छा, तो रिजल्ट भी उसी दिन आ गया, तो 1:30 बजे शायद रिजल्ट आया था। अच्छा, 2 बजे, और मैं सर घर से 3 बजे के आसपास निकल गया। ओ, तब तो कोई मतलब कि मतलब परिवार वालों के साथ में आपने रिजल्ट तो देख लिया ना? यस सर। तो ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी ने बोला हो? हाँ, क्या
सर पर हमारे ये टॉप आने से ज्यादा कोई खुश नहीं, और हमारे घर से निकलने से ज्यादा सब दुखी थे। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं हुआ कि हम कैंसिल कर दें टिकट, एक दो दिन रुक जाएं, ऐसा नहीं सोचा आपने? नहीं सर, मुझे लगा नहीं कि रुकना चाहिए इन सब बातों के लिए। आगे सर अभी नीट की तैयारी सर, उसमें कुछ अच्छा। अच्छा, तो ये तो ये वीडियो तो आपका देशभांग क्लासेस में हमेशा रहेगा, तो आपके आपके मित्र लोग जानेंगे फिर नीट में क्या हुआ शुभम भैया का, सब लोग पूछेंगे ना बाद में। इसलिए आपको अपना बेस्ट देना। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा जी। ये सर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर सर। पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है, हमेशा आपके साथ पूरा आशीर्वाद है। जब आप जो आप जैसे छात्र हमारी वीडियोस को देखते हैं, पता नहीं दिल से बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। yes. तो इस वीडियो के माध्यम से, इस कॉल के माध्यम से अपने परिवार वालों को शुभम क्या कहना चाहेंगे आप, माता पिता भाई बहन? सर हमारे माँ और पापा ने सर मुझे बहुत ये उत्साहित करते रहते थे हमेशा, मुझे अभी सर मैं अभी भी उनका सर बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। मुझे उत्साह देने में उनका बहुत बड़ा सर उत्साह देते रहते हैं वो। चलिए शुभम, एक छोटी सी बात हमारी बीच में हो गई जिससे ये पता चल गया कि शुभम कैसे पढ़ते थे। आप दो पेन का यूज किए थे एग्जाम में, आपने शुरू से सारे टेक्स्ट बुक वगैरह अच्छे से पढ़े, आपने सारे क्वेश्चन बैंक बनाए, और गुरु जी की वीडियोज लास्ट में देखते थे, एग्जाम में जाने से पहले भी देख लेते थे। चलिए बहुत अच्छा लगा शुभम आपसे बात करके, ठीक है ना, और हम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं इस रिजल्ट के लिए, और अग्रिम शुभकामनाएं। आप नीट में भी बहुत अच्छा फोर हो, बहुत अच्छा करो, ठीक है ना, ताकि वहां पर भी हमारा नाम हो। हाँ, और आप जब भी बिहार आएं तो हमें बताएं, एक बार अगर हम उस जिले में आते तो आपसे मिलकर के अच्छा सा इंटरव्यू जरूर करेंगे आपका। चलिए ठीक है, ठीक है शुभम, ठीक है, बाय। धन्यवाद जी।